गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री बीएल मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस, को इंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन के देखे थे। हमने कैसे कैसी लाइन होती है, किस तरीके से उनका A1, B1, C1 देखे थे, A2, B2, C2 देखे थे, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 करने से पहले हमें ये टर्म पता होना चाहिए कि इस टर्म का क्या मतलब है, तो हम एग्जाम्पल नंबर 4 कर पाएंगे। क्या है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब जो हमने इक्वेशन ली है वो हमेशा क्या होती है? पेयर में होती है। हमारे पास यहाँ पे सारी इक्वेशंस क्या आ रही है? पेयर में आ रही है। अब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसके कुछ सॉल्यूशन होते हैं इक्वेशन के, वो इक्वेशन कैसी कहलाती है? कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाती है। कैसी कहलाती है? कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाती है। क्या बोला मैंने? जो इक्वेशन है कोई, जिसके सॉल्यूशन होते हैं कुछ, वो क्या कहलाती है? कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक था हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है उसका। कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, उसके भी सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइटली। सॉल्यूशन होना चाहिए, बस ये है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगी। कंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब जो भी इक्वेशन दे रखी है उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, और तीसरी क्या थी हमारे? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में हमारे क्या आती थी? नो सॉल्यूशन आता था। नो सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर पैरेलल लाइन वाली जो होगी वो हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं होगी। तो आपसे अब सवाल कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपको दो इक्वेशन दे देंगे, आपको बोलेंगे कि इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, उसके ग्राफ से आप बताओ कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? अगर ग्राफ आपका इंटरसेक्टिंग बनता है तो वो कंसिस्टेंट है, अगर ग्राफ आपका कोइंसिडेंट बनता है तो वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, और अगर ग्राफ आपका ऐसे पैरेलल बनता है तो क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। आया आपको समझ में? क्या बोला मैंने? कंसिस्टेंट कब कब होगा? जब लाइंस क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी, और क्या करेगी? कोइंसिडेंट करेगी। तो क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब एक सॉल्यूशन आना चाहिए तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है? देखो, चेक ग्राफिकली। ग्राफिकली चेक करना है तो आपको ये किस में करना होगा? ग्राफ में करना होगा, ग्राफ की नोटबुक में करना होगा। वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x+3y बराबर 6, एग्जाम्पल नंबर 4, x+3y बराबर 6 और 2x-3y बराबर 12 इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। क्या करना है? इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कैसे करेंगे? पहले हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन ले ली, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन लेने पे x+3y बराबर 6, x की वैल्यू, y की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? हम ग्राफ बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं? x की वैल्यू पहले 0 रखो, 0+3y बराबर 6, 3y बराबर 6, 3y बराबर कितना आ गया? 6/3 कितना आया? 2। तो y की वैल्यू क्या आई? 2। 0 पे y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, अब वापस हम इसमें क्या रखेंगे? x+3y में y की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो x+3×0 0, यहाँ पे क्या था? 6 था, तो 6, x बराबर 6, मतलब हमने x को 0 रखा तब हमारे वैल्यू आई 2, और y को 0 रखा तो हमारे वैल्यू क्या आ गई?
6 आ गई, वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। आपको ये चीज़ शो करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये चीज़ शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अगर ये टेबल लिखोगे तो भी चलेगा आपके, ठीक है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 12, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, x और y वापस वही चीज़ है, x की वैल्यू हमने क्या रखी, 0 रखी, x की वैल्यू हमने क्या रख दी, 0 रख दी, माइनस 3y बराबर 12, 2 इंटू 0, 0 माइनस 3y बराबर 12, तो 12 तो क्या है यहाँ पे, y बराबर 12 अपॉन माइनस 3, कितना आया माइनस का 4, मतलब 0 रखने पे क्या आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है, 0 रखने पे क्या आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है, तो माइनस का 4 आ गया, ठीक है। 0 रखने पे क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया। अब देखो हम क्या रखते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 12, क्या रख देते हैं हम, y की जगह 0 रख देते हैं, तो 2x माइनस 3 0 बराबर 12, 2x बराबर 12, क्योंकि 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, x बराबर 12 अपॉन 2 कितना आ गया 6 आ गया, कितनी वैल्यू आ गई 6 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, फिर ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया ही है। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बना हमारा, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट कट करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये हो गई हमारे 0 ओरिजिन, ये 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये क्या होती है हमारे x एक्सिस होती है, ये क्या होती है हमारे y एक्सिस होती है, ये क्या होती है x एक्सिस, ये क्या हो जाती है y एक्सिस, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, x पे कितना चलना है 0, y पे कितना चलना है 2, तो x पे 0 तो 0 यही है, y पे चलना है हमें 2, तो 1 2, ये यहाँ पे आ गया, क्या आ गया पॉइंट 0, 2, ठीक है। x पे कितना चलना है 6, तो 1 2 3 4 5 6, y पे ऊपर कितना चलना है 0, तो ये कहाँ आ गया पॉइंट, यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, इस लाइन को मिला दिया, इस लाइन को क्या कर दिया, मिला दिया हमने, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है -4, x की वैल्यू क्या है 0 यहीं पे है, y में कितना चलना है -4, तो -1 -2 -3 -4, तो यह क्या आ गया 0, -4, 0, -4, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है 0, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो पॉइंट यही है, तो हमने क्या किया इसको मिला दिया, ठीक है मिला दिया। अब देखो ये कैसा ग्राफ बना है, कैसा ग्राफ बना, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा है। इंटरसेक्टिंग कैसे बन रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे जाके क्या हो रही है, कट रही है, इस तरीके से कट रही है, इधर कट रही है, तो ये क्या हो गया इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो गया। इंटरसेक्टिंग ग्राफ होने के कारण ये ग्राफ कैसा है, इट इज इंटरसेक्टिंग ग्राफ, सो इट इज कंसिस्टेंट। हमें यही पूछा था कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो ये क्या है कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट है, अगर हमसे इसे पूछे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन वो ही पॉइंट होता है जहाँ पर ये कट रहा है, कहाँ कट रहा है, इस पॉइंट पे कट रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट है 6, 0, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका 6, 0, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका 6, 0, यहाँ पे स्केल लिखना आप जन सब जने, स्केल एक्स एंड वाई एक्सिस 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये आपका पूरा ग्राफ कंप्लीट हुआ। ये जो चीज़ है आपको लाइन वाले पेपर पे लिखनी है, ये आपको ग्राफ में लिखना है, ठीक है। आया आपको समझ में? क्या किया, पहले हमें इक्वेशन दे रखी थी, हमने ये जीरोस निकाल दिए, फिर हमने क्या किया, इसको प्लॉट कर दिया, फिर हमें बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, नहीं तो नहीं होता है। इंटरसेक्ट कर रही है तो कंसिस्टेंट है, और जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बस यही है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब हम। थैंक यू।